हमारे एवरी में से कोई परिंदा है, ये देखें बिल्कुल गंजा हुआ है और इसकी गर्दन भी नहीं है यार। ये देखें माशाल्लाह, डायमंड अपने यार अंडा दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों मुझे इसकी अब खुशी नहीं हो रही क्योंकि इसके डायमंड आपके बच्चे अंडों को उठा के दोस्तों बटेर के अंडे रखने पड़ेंगे और देखते हैं कि यार अब बटेर के अंडे कितने हैं हमारे पास। तुम बोलो पहले, आ जाओ आ जाओ, नहीं तुम इंट्रो कर लो सुन लो। खैर अस्सलाम वालेकुम भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि यार मैं क्या हुलिया बनाया हुआ आज मैंने। दरअसल बात दोस्तों ये है कि आज यार इतनी तेज़ शदीद किस्म की जो है वो ठंड हो रही है यहाँ पे और मैं आपको बता नहीं सकता। ये देखें टोपा और ये मफलर, ये सारा मैं आपको मौसम का व्यू भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो सूरज देख रहे हैं आप, देखें बस सूरज नाम से निकला हुआ है, ठीक है। बाकी सुबह से इतनी तेज़ यार धुंध हो रही है, हवाएं चल रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और इसीलिए आज मैं कुछ इस तरीके से हुलिया बना के फिरूंगी यार, काफ़ी ठंड है। और दोस्तों आपको आज एक मज़ेदार चीज़ बतानी है। कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि यार हमारा नुकसान हो गया था, हमारी मुर्गी बीमार हो गई थी, लेकिन दोस्तों उसी टाइम मैंने क्या किया, इनको मेडिसिन दी तो हमारी जो दोस्तों काली मुर्गी थी दूसरी वाली, वो माशाल्लाह बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। और जब दोस्तों मैंने कल वाली वीडियो जब स्टॉप कर दी, बंद कर दी थी, उसके बाद यार जब मैंने अपनी असील मुर्गी को खोला, जो हमारी जिसका बच्चा मरा था, जो कुड़क हुई हुई है उसको खोला, तो यार वो बिल्कुल ही मतलब आप कह सकते हैं सुस्त सी हुई हुई थी, ना बोल रही थी ना चल रही फिर रही थी सही तरीके से। लेकिन उसी टाइम दोस्तों मैंने उसको मेडिसिन दी और माशाल्लाह दोस्तों वो भी बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें आप किस तरीके से यहाँ पर बिल्कुल एक्टिव घूम रही है ये देखें, ठीक है। और जो काली मुर्गी थी वो भी दिखा देता हूँ, जो बीमार हो गई थी कल को, ये देखें सर, ये वो सामने बैठी हुई है, ये आपको थोड़ी सी नज़र आई होगी, लेकिन अब दोस्तों ये बिल्कुल ठीक हो चुकी है ठंड की वजह से, इस तरीके से बैठे हुए हैं। और रात के टाइम देखें इस तरीके से हमने ढका था, शीट आगे लगाई थी, कपड़ा लगा दिया था, और बाकी हमारे जो चूज़े हैं वो भी ढके हुए हैं सारे तकरीबन यहाँ पर इस टाइम जो हैं हमारे परिंदे ढके हुए हैं इस टाइम, ठीक है। और आज दोस्तों हमारी असील मुर्गी ने आज भी अंडा दिया माशाल्लाह, लगातार 3 दिन से अंडे दे रही है, और मैं उसके अंडे और अपनी देसी मुर्गी के अंडे कलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे ही वो इंशाल्लाह कुड़क होगी इसको, उसके भी जो है हम बच्चे निकलवाएंगे। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल बने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो लास्ट तक देखिएगा इंशाल्लाह काफ़ी मज़ा आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो काफ़ी दिन हो गए दोस्तों मैंने आपको अपने कोयल्स की बटेरों की अपडेट नहीं दी, वो भी चले मैं आपको दे देता हूँ। और आपसे एक जाके सवाल भी पूछना है कि आपसे एक पूछना है बटेर के मेल फीमेल के बारे में डिफरेंस, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो आपने मुझे बताना है इंशाल्लाह। तो चलें दोस्तों अब एवरी में चलते हैं और आपको बटेर की अपडेट भी देता हूँ। दोस्तों एवरी के सामने आ चुका हूँ और अब चलते हैं अंदर और देखें आप इनका जो बल्ब है वो भी मैंने चलाया हुआ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ठंड हुई हुई है, तो इनको मैंने कहा इनको भी ठंड ना लगे। तो चलें दोस्तों हम अंदर चलते हैं। तो दोस्तों माशाल्लाह एवरी में आ चुका हूँ मैं और ये देखें हमारे सारे के सारे क्वील्स भी यहाँ घूम रहे हैं। अच्छा हमारा जो डायमंड का बच्चा था दोस्तों उसकी भी देखें अब न्यू टेल निकल चुकी है, ये देखें ये न्यू टेल इसकी आ रही है। और जो हमने बुरादा यहाँ पे डाला था लकड़ी का, वो माशाल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रहा है, ये देखें ये सारा का सारा यहीं पर है। और देखते हैं कि हमारे बटेरों ने कितने अंडे और दिए हुए हैं। तो चलें दोस्तों अब हम क्या करते हैं, चलते हैं बटेरों वाली साइड पर और देखते हैं कि यार इन्होंने एक मिनट ज़रा, हाँ तो कितने अंडे दोस्तों इन्होंने दिए हैं बटेरों ने हमारे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों उस वाली साइड पे और ये जी आ गया, ओए होए होए ये यार, ये दोस्तों इधर मुझे एक चीज़ देखने को मिल रही है, बड़ी टेंशन वाली बात है। एक मिनट ये ये दोस्तों हमारे एवरी में से कोई परिंदा है, ये देखें बिल्कुल गंजा हुआ है और इसकी गर्दन भी नहीं है यार, ये कौन सा परिंदा है? पर तो दोस्तों डायमंड डव के बच्चे के लग रहे हैं, ये देखें ब्राउन कलर के, मैं देख लेता हूँ कि यार ये डायमंड डव का बच्चा है या तोते का बच्चा है, क्या है? नहीं यार दोस्तों ये डायमंड डव का ही बच्चा है। और यार ये देखें इसको पता नहीं क्या हुआ है और इसने मुझे लग रहा है कि छलांग मारी थी, एक मिनट छलांग मारी थी दोस्तों। और ये देखें यार ये क्या हो गया, ये पता नहीं अब किसने किया है, मुझे लग रहा है दोस्तों ये बटेरों ने इसका ये हाल किया है। ये बड़ा ही एक अफसोसनाक वाक्य पेश आ गया अचानक मेरे साथ, मैं भी अभी एवरी में आया हूँ
और यहाँ पे यार ये देखें यार इसके किस तरीके से इन्होंने इसको मारा हुआ है। ये आप इसकी गर्दन देखें, गर्दन ही उतरी हुई है यार इसकी, और बिल्कुल भी इसके पर नहीं है। ये देखें बिल्कुल जो आप कह सकते हैं ना गंजा वो हुआ हुआ यार। ये देखें बड़ा जुल्म हुआ है बेचारे के साथ। मुझे लग रहा है कि यार ये बच्चा जो था दोस्तों नीचे छलांग मारने वाला था और इन बटेरों ने इसको मार दिया है और इसकी गर्दन देखें उतार दी है पूरी की पूरी। गर्दन में देखता हूँ हो सकता है यहाँ पे पड़ी हो या तो ये खा के खा गए होंगे। मुझे दोस्तों नहीं नज़र आ रही, मुझे लग रहा है कि ये उसकी गर्दन भी खा गए हैं। हाँ जी दोस्तों इसकी गर्दन भी मुझे लग रहा है कि ये खा गए हैं। देखें ये बिल्कुल उतरी हुई है और मैं क्या कह सकता हूँ यार इसमें ना दोस्तों मेरा कसूर है ना परिंदों का कसूर है, क्योंकि यार इस बच्चे की इतनी ज़िंदगी थी और आज भी हमारा दोस्तों एक नुकसान हो गया। हमारा डायमंड का बच्चा मर चुका है, जा चुका है हमें छोड़ के। मैं बड़ा खुश था कि यार अभी छलांग मारेगा, चलो अब जब दोबारा अंडे देगी, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इनके अंडे बटेरों के डैम डब के नीचे रखेंगे और उनमें से बच्चे निकलवाएंगे। लेकिन दोस्तों यार ये बच्चा ही मुझे इस तरीके से मरा हुआ मिला, तो बड़ा यार काम ख़राब हो गया। अचानक से इस तरीके का खबर को मिल जाना मेरे लिए दोस्तों बड़े दुख की बात है। ये दोस्तों देखें हमारा यार बिल्कुल नेस्ट खाली हो चुका है और इसमें यार इसमें तो डायमंड ने देखे अंडा दिया है दोस्तों, अंडा पड़ा हुआ दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखें माशाल्लाह डायमंड ने यार अंडा दे दिया, लेकिन दोस्तों मुझे इसकी अब खुशी नहीं हो रही क्योंकि यार हमारा डायमंड का बच्चा मर गया। ये यार इसने काफ़ी दुख दिया मुझे और आप लोगों को सिखा था। आखिरकार दोस्तों वो दिन आ गया कि मुझे लग रहा है कि इस बच्चे को ही मरना था। इसके बाद जो अंडे आने थे उसको हमने रखना था, इनको अंडों को उठा के डायमंड के अंडों को रखना था। आप लोगों के कहने पे यार अब ये कर रहा हूँ, ये करना पड़ेगा कि इसके डायमंड के बच्चों अंडों को उठा के दोस्तों बटेर के अंडे रखने पड़ेंगे और देखते हैं कि यार अब बटेर के अंडे कितने हैं हमारे पास। जी इनका नेस्ट आ गया है यहाँ पर और अब मैं देखता हूँ कि कितने अंडे यहाँ पर इनके पड़े हुए हैं, क्योंकि बुरादा है बिल्कुल दोस्तों ये ताज़ा अंडे हैं, अब ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं है। एक तो ये रहा और ये पता नहीं क्या चीज़ है, दूसरा अंडा दोस्तों ये है और तीसरा भी है ये रहा। और इसके अलावा मैं देखता हूँ कोई और अंडा अगर इन्होंने दिया हुआ है तो मैं देख लेता हूँ एक बार। नहीं दोस्तों दो ही अंडे हैं यहाँ पे, सॉरी तीन अंडे हैं। अब आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है कि क्या इन अंडों को रखना है डायमंड के अंडों को नीचे या नहीं रखना। ये तीन अंडे हैं दोस्तों बिल्कुल सही हैं, इनको मैं वापस रख देता हूँ। और ये दोस्तों मुझे आपने लाजमी बताना है क्योंकि अंडा हमारे पास आ चुका है डायमंड का। और अब दोस्तों मुझे ये नहीं पता कि ये किस डायमंड ने अंडा दिया, अब हो सकता है कि पुरानी वाली ने दिया और न्यू वाली ने दिया हो या फिर हमारे जो घर के निकले थे उन्होंने दिया, मुझे इस बारे में इल्म नहीं है। ठीक है और इस तोती को भी देख लेते हैं अब, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए दोस्तों कि इसके बच्चे बाहर आए हुए थे। देख लेते हैं कि इसने भी क्या अंडे दिए हुए या नहीं दिए हुए, मैं देख लेता हूँ एक बार मटकी को उतार के, बल्कि आपके सामने देखता हूँ कि इसके तोती तो है दोस्तों इसने देखा। अरे वाह यार इसने भी दोस्तों अंडा दिया हुआ है, एक अंडा नज़र आ रहा है अभी तो। ये देखें चले दे दिया तो अच्छी बात है दोस्तों। मैं यार खुश तब होता जब हमारा ये नुकसान ना होगा, तो वैसे खुशी तो दोस्तों मुझे दिल से है, लेकिन यार इसका ये जब डायमंड का बचा के एकदम जाना मुझे यार बहुत दुख दिया। इसने अचानक ही आते हुए यहाँ पे मुझे मिला आपके सामने। ठीक है तो यार आप क्या कह सकते हैं, तो ये थी दोस्तों आज की यार सैड सी वीडियो। बड़ा कुछ था कि यार आज चलो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारे परिंदे सारे सही, लेकिन ऊपर तो कोई नुकसान नहीं हुआ। आज एवरी में दोस्तों नुकसान हो गया और बस मिलते हैं दोस्तों इंशाल्लाह किसी और वीडियो में किसी और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।